माना जाता है। उन्होंने हमारे शरीर की संरचना इस तरीके से बनाई कि हर शरीर के अंग को अलग अलग कामों में बांट दिया कि ये काम फला अंग करेगा। तो विज्ञान ऊपर से ही हमारे को अलोटेट किए हैं, हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, कौन खाना पचाएगा, हमारे बच्चों ने इस पे मॉडल बनाए, उत्सर्जन कैसे होगा, खाना कैसे पचेगा, सांस कैसे ली जाएगी। तो आपके जो ऊपर वाले वैज्ञानिक ईश्वर ने जो हमारे शरीर की संरचना बनाई है, उसी पर आप लोगों ने मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत किए। बहुत से मॉडल काफी अच्छे वर्किंग मॉडल थे जिनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने टेस्ला कॉइल भी बनाया। और इसके अलावा आज जो हमारा चंद्रयान 2 जो ऊपर गया है, जिसका 98% सफलता हमने प्राप्त कर ली है के जीवन साहब के हिसाब से। तकदीर थोड़े से हमारे खराब थे कि हमारा जो विक्रम है वो 2 किलोमीटर पहले उससे हमारा संबंध पीछे। अगर और विक्रम सही ढंग से होता तो आज हमें सारी रिपोर्ट्स वहां से मिलना शुरू हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ समय बाद वो सीधा भी होगा, भगवान हमें साथ देगा और ये काम भी होगा। और विक्रम हमें जो न्यूज भेजेगा वो हमारे साइंटिफिक जगत के लिए बहुत कारगर, बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरे जो युवा ये वैज्ञानिक यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं, मुझे मैं आज दावे के साथ कह सकती हूँ इसी में से अब्दुल कलाम फिर निकलेगा। बच्चों जिसमें हौसला है, बच्चों जिसमें हौसला है, जिसमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत है, वो डेफिनेटली ऊंचाइयों को अपने शिखर को खुद ही प्राप्त कर लेता है। उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक ढेबरी आपके दिमाग में डाली है। मैंने कहा